तो करते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां पर लखनऊ में एक अपार्टमेंट गिरने से हड़कंप मच गया। राजधानी लखनऊ में अचानक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार इसे भूकंप से हुए कंपन की वजह से गिरना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हजरतगंज की वजीर हसन स्थित रोड बे अलाया जो बिल्डिंग का नाम है, अपार्टमेंट है, वो गिर गया है। जिस वक्त ये इमारत गिरी उस वक्त 8 परिवार इसमें मौजूद थे। हादसे में 30 के करीब लोगों के दबे होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार मलबे से 8 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं हादसे के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है। साथ ही नगर विकास मंत्री आर के शर्मा भी मौके पर पहुंचे। सीएम योगी किसी भी वक्त घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं या फिर अस्पताल मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे। हमारे पास यहाँ सीएम में 7 मरीज हैं और उनका इलाज चल रहा है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ एसडीआरएफ फायर ब्रिगेड सारी टीम्स लगी हुई है। 12-14 जेसीबी लगे हुए हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लखनऊ के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। ड्रामा, पीजीआई, सिविल, बलरामपुर, लोक बंधु, इसके साथ ही साथ जो अचानक अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है ऐसे सभी जो ग्रुप्स हैं ऐसे सभी ब्लड को साथ इकट्ठा मतलब उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है। कोलैप्स हुई है तो हम लोगों को सूचना तत्काल मिल गई थी। पुलिस फोर्सेस, फायर डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सभी जो रेस्क्यू एजेंसी है यहाँ पहुंच गए थे। कमिश्नर के माध्यम से हम लोगों ने हॉस्पिटल को अलर्ट करा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को तत्काल सूचना दी गई थी और उनके आदेश पर जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को यहाँ बुलाया गया था और हॉस्पिटल को अलर्ट करा दिया गया है। अब तक की जो परिस्थितियां हैं और जो यहाँ प्रत्येक गांव देखने के सकता है तो ये एक प्राकृतिक आपदा प्रतीत होती है।